देखिए क्या है, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी की बहुत कमी हो गई है, और जिन लोगों को स्टोरी देखना पसंद है, ऋषि कृष्णा की फिल्में जैसे आती थी वो अगर पसंद है तो वो फिल्में हमेशा चलेंगी और हमेशा पसंद होंगी। तो हमारी फिल्म में कहानी है, स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, कॉमन मैन की कहानी है, यूथ कनेक्टेड कहानी है। और आप कह सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि रोमांस को उसके ब्लाइंड डेट के बैकड्रॉप में रख के फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिससे कि ये स्टोरी कंटेम्प्रेरी हो जाए, आपको कहानी पुरानी ना लगे। तो बैकड्रॉप ब्लाइंड डेट का है, बट इट्स अ रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, बहुत अच्छी लगेगी, मुझे मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि आपको ये कनेक्ट करेगी सीधा। फिल्म में काफ़ी क्लबिंग के भी शॉट नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, क्लब का एक गाना है जो कि नॉर्मल है, हमारी लाइफ में भी है, हम लोग भी सैटरडे नाइट मनाते हैं, हम लोग क्लब जाते हैं, ठीक उसी तरह लाइफ का एक पार्ट है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्लब के अंदर जाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने भी एक सॉन्ग रखा है उसके अंदर। नहीं नहीं, आप वही, मैंने आपसे कहा कि इसमें डिफरेंसेस बहुत है, विविधताएं बहुत हैं, आपको एक्टर, वही एक्टर आपको रोमांस करते नज़र आएंगे, वही एक्टर थोड़ी देर में आपको गुदगुद आएंगे। आपको देखिए क्या होता है, एक आदमी के अंदर कहा गया है, बहुत खूब किसी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखिए। तो एक करेक्टर के अंदर 10 और 12 करेक्टर और 20-20 करेक्टर होते हैं, वो करेक्टर टाइम के अनुसार चेंज करते हैं अपने आप को, वही इस फिल्म के क्या जो मेरा किरदार है उसका भी, उसकी भी टाइटल की बात करें तो जब तुम कहो, ये टाइटल, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। जब तुम कहो टाइटल बेसिकली आप इसे दोनों वे में ले सकते हैं, नॉर्मली आप ले लीजिए कि गर्ल ने कहा कि आई एम रेडी सो यू से जब तुम कहो। सेकंड वे ये है कि जब तुम कहो बेसिकली इट्स अप टू अवर हार्ट, कि हम जब अपने दिल से कहते हैं कि अच्छा करना है तो अच्छा करेंगे, बुरा करना है तो बुरा करते हैं, वो एक समय होता है, एक मोमेंट होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, तो इसलिए जब तुम कहो। एंडिंग की बात करें तो हैप्पी एंडिंग नजर आएगी फिल्म में या फिर थोड़ा सैडनेस? नो, इट्स अ टोटली हैप्पी एंडिंग फिल्म, और फिल्म का मैसेज ही अंदर पूछा गया था, मैंने उसका, मुझे लगा जवाब देना उचित नहीं था, बट मैसेज ही अगर एक लाइन में कहें तो यही है कि ज़िंदगी का काम चलते रहना है, और हर एक के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं है। अगर किसी का दिल टूटा है, इस वैलेंटाइन डे में नहीं मिलेगा तो पोस्ट वैलेंटाइन डे मिलेगा, नेक्स्ट वैलेंटाइन मिलेगा, पर आपके जो भी लव बर्ड्स हैं या लव जो प्यार आपके लिए ऊपर वाले ने रखा है वो ज़रूर मिलेगा आपको। अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आए? हाँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के पास 17 किलोमीटर दूर फरीदाबाद करके एक जगह है, मेरी कॉलेजिंग दिल्ली से हुई है, और 2006 में मैं बॉम्बे आया था। उसके बाद मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं, जी टी वी के सीरियल्स किए हैं, कलर्स के सीरियल्स किए हैं, इसके बाद मैंने एक फिल्म असिस्ट किया है भूषण पटेल जी के साथ, 1920 इवल रिटर्न, टी ए वाजपेयी आफ्ताब सिद्धसानी थे उसमें। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया, और छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद सीधी ये फिल्म, मतलब डेब्यू फिल्म मुझे मिली बाई चांस, और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि स्टोरी देखिए, जब स्टोरी स्ट्रांग होगा और प्री प्रोडक्शन मजबूत होगा तो बजट अपने आप लो होगा। देखिए बजट बढ़ना और नहीं बढ़ना, आप हमारे फिल्म में देखिए, कहानी लिखने के लिए दिमाग, मतलब माइंड तो उतना ही लगता है, चाहे मैं 50 करोड़ की फिल्म बनाऊँ चाहे 1 करोड़ की फिल्म बनाऊँ, माइंड उतना ही लगना है, टैलेंट उतना ही दिखना है। तो आप कहानी पे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो बजट अपने आप आपके कंट्रोल में होगा। नए प्रोड्यूसर है तो उनको कन्विंस करना कैसा रहा आपका? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही टफ काम है हमारे यहाँ कि प्रोड्यूसर को कन्विंस करना, और खासकर जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी टाइम लगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे और लोग करते हैं मैंने भी किया, बट फाइनली अच्छी बात यह है कि मैंने कन्विंस किया उनको और आज मेरी फिल्म फ्लोर रिलीज़ होने वाली है। थैंक यू। हाँ सर, फिल्म की बात करें तो ट्रेलर दिख लग रहे हैं कि फिल्म, मतलब कभी पुलिस सेट में जा रही है, फिर क्लबिंग में जा रही है, फिर कॉलेज लाइफ में जा रही है, फिर ऑफिस में जा रही है, मतलब फिल्म क्या है फिल्म? जिंदगी है ये, कभी क्लब, कभी सैड, कभी हंसी, कभी, सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। येस, परवीन जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी परवीन जी के साथ मेरा सीन था उन्होंने बहुत हेल्प किए, बहुत ज़्यादा पड़ा, क्या करें, मजबूरी थी क्योंकि ऑब्वियसली ये सीनियर है। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था, याद है नाव में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पानी कुछ भी नहीं था, तो मैं प्यास के लिए था, मिल जाएगा, तो ये तो तसल्ली देते रहे कि मिल जाएगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट हो गए थे तो खाना और पानी बाद में मिल जाता, क्योंकि हम लोग भूल गए थे। इतनी बड़ी नदी में थे और आप कह रहे थे पानी नहीं।
हाँ गंगा नदी में थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है और वो भी कैरेक्टर बंगाली कैरेक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट मूवी बंगाली कैरेक्टर किया है कि क्योंकि ज़्यादातर सब कोई ना कोई और कैरेक्टर करते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कोशिश किया है कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है मैं 100% दे सकूँ। अब तो ऑडियंस ही बता सकते कि मैं वो जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ, हाँ या ना। He works in an office, he's a manager in a mall. जैसे 15 साल पहले when he was young around 19-20 years old तो उसका दिल टूट गया था with this girl who left him to go for a rich guy because उसको लगा कि इसकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। So she left him for a rich a man and he has been in love depression since then. He does not socialize with anybody, he does not go out, sirf kaam se kaam matlab rakhta hai and apne ghar pe rehta hai, so his life is quite boring during that time. But the film is not about that time, the film is about now. He's galti se wo inke kirdar khushi se baat karne lagta hai phone pe, galti se cross connection lag jata hai aur he likes speaking to her and again those feelings start coming up aur ye इनसे कोलकाता जाते हैं मिलने। तो मेन स्टोरी है कि कोलकाता में जब ये जाते हैं मिलने ब्लाइंड डेट पर तो क्या होता है। सर हमने आपको काफ़ी बॉलीवुड फिल्म में देखा, टीवी शो में देखा, काफ़ी लंबे जर्नी के बाद वापस फिल्म में। इतना भी लंबा गैप नहीं है, दो लास्ट मेरा जो रिलीज था रागनी MMS पार्ट 2 इट वॉज 2 ईयर्स अगो, तो इतना भी लंबा गैप नहीं था जिसमें ये मेरी 2-3 फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मैम आपसे बात करें तो मतलब फिल्म की बात करें तो कैसे आपके सिटी में मतलब किस तरह फिल्म है, कहाँ से समथिंग समझे फिल्म कैसी मिली आपको? अच्छा ये जो फिल्म थे जो हमारे डायरेक्टर है विक्रम शंकर जी, तो उनके कैरेक्टर में था दिल्ली का लड़का और बंगाली लड़की, तो उन्होंने ये किया था कि अगर हम यहाँ से लेंगे तो उनको बंगाली टोन कम मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा वो टोन चाहिए था, तो इसीलिए वो कैलकाटा में ऑडिशन कर रहे थे। तो ऑडिशन में जब मैं गई थी तो उन्होंने जब देखा कि हाँ उनको जो कैरेक्टर चाहिए, खुशी नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा बबली कैरेक्टर और थोड़ा सा हिंदी वैसा, तो उनको लगा कि हाँ मतलब शायद ही बोल सकती हूँ कि ये शायद मैं कर सकती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया है कि हाँ खुशी का कैरेक्टर और परवीन जी के ऑपोजिट में और इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कैरेक्टर की बात करें तो जो कैरेक्टर खुशी को प्ले कर रही है कितना वो आपके रियल लाइफ से मिलता जुलता कुछ समझ में? रियल लाइफ में तो मैं हर वक्त स्माइल ही करती हूँ, खुशी ही रहती हूँ। ऑब्वियसली सबके लाइफ में गम होते रहते हैं लेकिन मैं ज़्यादा खुशी रहती हूँ। लेकिन इसमें मैंने साइकोलॉजी टीचर का कैरेक्टर प्ले किया है, मैं एक बेटी की कैरेक्टर प्ले किया है, मैं एक गर्लफ्रेंड बनने की प्ले करने की कोशिश किया है तो बाद में प्यार हो जाता है। तो मैं इस फिल्म में मुझे 3 कैरेक्टर करने का मौका मिला है। लेकिन रियल लाइफ में ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, ये तो मेरी मम्मी बोल सकती है। और साइकोलॉजी तो ऑब्वियसली मैं टीचर तो हुई नहीं, लेकिन मैंने मैंने इस फिल्म में आप देखोगे तो शायद आपको लगेगा हाँ मैं टीचर ही लग रही हूँ। और प्यार के मामले में तो नहीं, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। कैरेक्टर की प्रिपरेशन की बात करें तो आपने कैरेक्टर का प्रिपरेशन कैसे किया था? हाँ जब ऑडिशन हुआ था, जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो हम लोग का वर्कशॉप चला था, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मैं कंटिन्यू वो कैरेक्टर में पढ़ने लगती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक मैं कैरेक्टर के अंदर नहीं जाती हूँ तो मुझे वो नहीं होता। तो इसलिए मैंने बहुत बार स्क्रिप्ट को पढ़ी हूँ और मैंने डायरेक्टर सर से हेल्प ली हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है, पहले से क्या है, मुझे पूरा डिटेल्स जानना था। तो स्टडी करने के बाद तो मुझे कैरेक्टर समझ में आ गया कि ठीक है ओके। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ? हाँ मेरी जो नेक्स्ट मूवी रिलीज होने वाला है वो शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, वो है ऑसम मौसम। यस नहीं बॉलीवुड है, उसमें पापा का कैरेक्टर में मुकेश तिवारी जी भी है, ऑपोजिट में राहुल शर्मा है, शुआशिनी जी है, तो सब हैं। सर आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरी 2 और फिल्में रिलीज होंगी, मिरर गेम एंड कुलदीप पटवल आई डिडंट डू इट। थैंक यू।